आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम हरे मटर और पनीर की पेटीज बनाने जा रहे हैं। आइए इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। पेटीज बनाने के लिए हमने 6 आलू, 2 हरी मिर्च, 1 कटोरी मटर, 100 ग्राम पनीर, आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी अरारोट, आधी कटोरी धनिया, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच भुना जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच काली कुटी मिर्च और तलने के लिए तेल। आलू हमने उबाल लिए थे, सबसे पहले हम इनको छीलकर मैश करेंगे और इसी के साथ मटर को दरदरा पीस लेंगे और पनीर को मैश कर लेंगे। हमने आलू और पनीर को मैश कर लिया है, मटर को दरदरा कूट लिया और हरी मिर्चें काट लिया। अब हम बेसन को भून लेते हैं। तेज गैस पर पैन रख दिया है, अब बेसन भूनना शुरू करती हूँ। बेसन को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा हल्का सुनहरा सा ही करना है। बेसन को हमें तेज गैस पर नहीं भूनना है, मंदी गैस पर भूनना है, क्योंकि मंदी गैस पर भूनने से यह अंदर तक भून जाता है और तेज गैस पर हम भूनते हैं तो ऊपर से भून जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। अब इसको हम उतारते हैं और गैस बंद कर देते हैं। पेटीज में भरने के लिए अब हम मिश्रण तैयार करते हैं। ये मटर जो है हमारी दरदरी कूटी हुई, इसके अंदर हम पनीर मिलाते हैं और कुछ मसाले, आधा नमक मिलाना है, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्च, भुना जीरा और आधा धनिया, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा मिश्रण मिल चुका है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएं, मसाले कहीं कम ज़्यादा ना हो। अब हमें अपने आलूओं के अंदर भुना हुआ बेसन, अरारोट, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च, इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल लगा के हम इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। ये हमारा आलू का मिश्रण तैयार हो गया है। मीडियम गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ऑयल बचाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाते हैं और इस मिश्रण को थोड़ा सा ले लेते हैं और इसको ऐसे करके हम इसके बीच में ये भर लेंगे जो हमारा पनीर वाला मिश्रण है। इसको हम अच्छे से ऐसे कवर कर देंगे। ये हमने इस तरह से बना लिया है और हमें सारी इस तरह से ही बनानी है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये जो हमने पेटीज बनाई है ये इसके अंदर डाल रहे हैं। आप इनको तवे पे भी थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर शैलो फ्राई कर सकते हैं। गैस हमको मंदी कर देनी है और थोड़ा सुनहरा होने तक हमको सेकने हैं। देखिए हमारी पेटीज हल्की हल्की सी फूल गई है, उस साइड से हमारी पेटीज सीख चुकी है। अब इनको हम पलट देते हैं। देखिए सुनहरी सुनहरी कितनी अच्छी लग रही है। अब हमारी पेटीज सीख चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं। हमारी मटर पनीर की पेटीज खाने के लिए तैयार हैं। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।